हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शहाब हासली एंड वेलकम टू माय चैनल टाटा स्टील वोकेशनल ट्रेनिंग। तो आज का टॉपिक इंटरेस्टिंग है। आज का टॉपिक है, टॉपिक नेम इज़ वेल्डिंग प्रोसेस। इस वीडियो में आपको कंप्लीट वेल्डिंग प्रोसेस के बारे में बताऊंगा, ठीक है। आज इस वीडियो में क्या क्या कंटेंट्स होंगे हमारे, मैं आपको बताऊंगा वेल्डिंग के बारे में, टाइप्स ऑफ वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग के बारे में। ओके, कंप्लीट डिटेल्स मैं आपको दूंगा। पूरा इस वीडियो को ज़रूर एंड तक ज़रूर देखना आप लोग। ओके, स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ वेल्डिंग, राइट। देखो स्टूडेंट्स, क्या होता है कि वेल्डिंग का डेफिनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। वेल्डिंग क्या होता है वो आप आराम से समझिएगा। वेल्डिंग क्या है? एक प्रोसेस है। वेल्डिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग दो सिमिलर मेटल्स को या फिर दो डिसिमिलर मेटल्स को ज्वाइन करते हैं। कैसे ज्वाइन करेंगे फ्रेंड्स? हीट देकर, ठीक है। दो मेटल्स को ज्वाइन करते हैं हीट देकर, ठीक है, एक सूटेबल टेम्परेचर में। हीट कम नहीं, ज़्यादा ही होना चाहिए, मतलब एक सूटेबल टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है। हीट तो ज़रूरी है मेटल्स को ज्वाइन करने के लिए। दूसरा, विद और विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, फिलर मटेरियल्स और फ्लक्स, ठीक है। समझ गया? वेल्डिंग किस लिए करते हैं फ्रेंड्स? वेल्डिंग हम लोग इसलिए करते हैं ताकि जो हमारा जॉइंट्स रहे ना, वो हम लोग परमानेंट कर सकें, ठीक है। ऐसा नहीं कि परमानेंट हो गया है तो कभी टूटेगा नहीं, टूट जाता है। ऐसा नहीं कि नहीं टूटेगा, बहुत सारा लोड लगाना पड़ेगा जॉइंट को तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए। बट दो जॉइंट्स को हम लोग परमानेंट जॉइंट बनाने के लिए ही वेल्डिंग करते हैं, ठीक है। ओके, देखिए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेल्डिंग के बारे में, ठीक है। दो ही टाइप्स के वेल्डिंग होते हैं, एक हमारे प्लास्टिक वेल्डिंग होते हैं, दूसरा फ्यूजन वेल्डिंग होता है। ध्यान से देखना मैं क्या बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ वेल्डिंग टू टाइप्स के होते हैं, एक वन टू। फर्स्ट में प्लास्टिक वेल्डिंग, प्लास्टिक वेल्डिंग को हम लोग प्रेशर वेल्डिंग बोलते हैं, ठीक है। अब प्लास्टिक वेल्डिंग को प्रेशर वेल्डिंग क्यों बोलते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए प्लास्टिक वेल्डिंग में क्या होता है कि हम लोग पीस ऑफ मेटल को ज्वाइन करते हैं, कैसे? हीट देकर। हीट क्यों देंगे? हीट देंगे तभी तो वो प्लास्टिकली स्टेट में डिफॉर्म्ड होगा, ठीक है। जो भी पार्ट्स को अगर हम लोग गर्म करते हैं तब क्या होता है, वो प्लास्टिकली डिफॉर्म होता है, मतलब वो पिघलता है, ठीक। वो प्लास्टिक डिफॉर्म होने के बाद उसके ऊपर हम फोर्स करेंगे एक एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है। इसमें क्या होगा कि हम लोग मेटल्स को तो हीट दे रहे, लेकिन एक एक्सटर्नल प्रेशर देने के बाद तब वो वेल्ड होगा, उसको हम बोलेंगे प्लास्टिक वेल्डिंग। मतलब हीट के साथ साथ हम लोग को इसमें प्रेशर भी देना पड़ेगा, उसका नाम है प्लास्टिक वेल्डिंग। ओके, एग्जांपल में आप देखो, एग्जांपल क्या है? रेजिस्टेंस वेल्डिंग, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। दूसरा वेल्डिंग का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? फ्यूजन वेल्डिंग। फ्यूजन वेल्डिंग को हम लोग बोलते हैं नॉन प्रेशर वेल्डिंग, ठीक है। नाम से ही पता लगना पड़ेगा आपको, फ्यूजन वेल्डिंग को हम लोग नॉन प्रेशर वेल्डिंग बोलते हैं। इसका मतलब इसमें हम लोग प्रेशर यूज नहीं करेंगे। ओके, इसमें क्या होगा कि हम लोग मटेरियल को ज्वाइंट करेंगे, कैसे? हीट देकर, ठीक है, और उसको हम प्रेशर नहीं देंगे। तब ये ज्वाइंट कैसे होगा फ्रेंड्स? देखो, दो मेटल्स को अगर हम लोग ज्वाइंट करना है, इसको ज्वाइंट करना है, तो हम क्या देंगे? इसको हम हीट करेंगे इस साइड में हीट करेंगे, तो दोनों में क्या होगा, एक मोल्टेन स्टेट फॉर्म हो जाएगा, मतलब पिघलना स्टार्ट हो जाएगा। जब दो मेटल्स पिघलेगा, जब मोल्टेन स्टेट में हो जाएगा, तब पिघलने के बाद ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तब इसको हम छोड़ देंगे, लीव कर देंगे उनको सॉलिडिफाई होने के लिए, ठीक है। कुछ देर तक छोड़ देते हैं, फिर वो सॉलिडिफाई होके वो अपने आप ही वेल्ड हो जाते हैं। फिर इसको हम वाटर में डीप कर लेते हैं, क्वेंचिंग कर लेते हैं, वो प्रोसेस अलग होती है। तो इस तरीके से हम लोग फ्यूजन वेल्डिंग के बारे में होता है। इसके एग्जांपल क्या है? गैस वेल्डिंग एंड आर्क वेल्डिंग। ओके, अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस। डिफरेंट क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन क्या क्या होते हैं? गैस वेल्डिंग में डिफरेंट गैस वेल्डिंग आते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग क्या होते हैं, ठीक है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो गैस वेल्डिंग हो गया, आर्क वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग, सॉलिड स्टेट वेल्डिंग, थर्मोकेमिकल वेल्डिंग, लो टेम्परेचर वेल्डिंग, ये सारे टॉपिक में मैं कवर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, कि गैस वेल्डिंग का पूरा पार्ट्स क्या क्या होता है, वो सारे चीज़ मैं अपलोड करूंगा वीडियोस, ठीक है। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको मिल सके। ओके, अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स गैस वेल्डिंग के बारे में, क्या होता है गैस वेल्डिंग, कैसे कहते हैं,
देखिए बहुत इजी है, ठीक है। गैस वेल्डिंग क्या है? एक फ्यूजन वेल्डिंग है। फ्यूजन वेल्डिंग का मतलब फ्रेंड्स, जिसमें हम लोग प्रेशर नहीं देते हैं, इतना याद रखना, जो सिर्फ हीट देके ही वेल्ड करते हैं। अब इसमें क्या है, गैस वेल्डिंग में हम लोग हीट देते हैं दो मटेरियल को ज्वाइंट करने के लिए, लेकिन कैसा हीट देंगे? इसमें कम्बर्शन होता है, जलता है, क्या चीज का? ऑक्सीजन एंड फ्यूल का, ठीक है। गैस वेल्डिंग एक फ्यूजन वेल्डिंग है, जहां पर हम लोग हीट करते हैं दो मटेरियल को कंबशन से। किससे? किसका कंबशन होगा? ऑक्सीजन का और फ्यूल का। फ्यूल क्या क्या हो सकता है? फ्यूल या तो आपका एसेटिलीन हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, या फिर प्रोपीन हो सकता है, ठीक है। ये फ्यूल में आते हैं। अब देखिए, हम लोग को अगर बात किया जाए तो ऑक्सी एसेटिलीन मीन्स ऑक्सीजन प्लस एसेटिलीन हो जाएगा, एयर एसेटिलीन हो जाएगा, ऑक्सी हाइड्रोजन या फिर ऑक्सी फ्यूल, ये सारे पार्ट्स को मैं कवर करूंगा। ओके, अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि गैस वेल्डिंग में क्या क्या कंपोनेंट्स होता है, ये इंपॉर्टेंट है आपको, ये मैं आपको बता देता हूँ, बहुत इजी वे में बताऊंगा, ठीक है। जब भी आप गैस वेल्डिंग देखें देखोगे ना कोई वर्कशॉप में, तो आप देखना गैस वेल्डिंग में दो सिलेंडर होते हैं, एक सिलेंडर में ऑक्सीजन होता है, एक सिलेंडर में फ्यूल होता है, ठीक है। लेकिन सिलेंडर में ऑक्सीजन कौन सा है, फ्यूल किस में है, वो डिस्टरबेंस होता है, तो वो चीज़ याद रखो। जो ब्लैक वाला सिलेंडर है ना, ये ब्लैक वाला, इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, ये देखो ऑक्सीजन ब्लैक या फिर ब्लू में होता है, इतना याद रखना। और जो हमारा दूसरा जो कलर है ना, रेड, ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, इसमें एसेटिलीन होता है, एसेटिलीन रेड होता है। तो रेड वाले सिलेंडर में एसेटिलीन गैस होते हैं या फिर और भी कुछ फ्यूल होगा, और ब्लैक वाले सिलेंडर में या फिर ब्लू सिलेंडर भी होते हैं, उसमें आपको ऑक्सीजन मिलेंगे, ठीक। ये चीज इंपॉर्टेंट है। और जो पाइप होंगे ना, वो भी या तो ब्लैक होंगे या रेड होंगे। तो ब्लैक पाइप में ऑक्सीजन होगा, मीन्स ऑक्सीजन वहां से पास होगा, और रेड पाइप जो होगा वो एसेटिलीन गैस पास होगा। और इसमें जो पाइप होता है ना फ्रेंड्स, इसमें पाइप को हम लोग क्या बोलते हैं? होस पाइप, इतना याद रखना। इसको क्या बोलते हैं? होस पाइप बोलते हैं। जो भी पाइप होते हैं, तो दो पाइप, एक होते हैं होस ब्लैक पाइप, एक होते हैं होस रेड पाइप। ओके, फिर इसके बाद आता है रेगुलेटर। ये चीज क्या है? रेगुलेटर है, प्रेशर रेगुलेटर, मतलब कितने प्रेशर आपको चाहिए, कितने नहीं चाहिए, कम ज्यादा कर सकते हो, ठीक है। फिर आता है दोनों पाइप क्या होंगे, यहाँ पर ही आए, यहाँ आए, एक टॉर्च में आने के बाद, ये जो निडिल वाल्व है, ये निडिल वाल्व क्या होता है, ज्यादा कम करने के लिए यूज करते हैं, मतलब हमें कितना प्रेशर चाहिए उस कंबर्शन को जलाने के लिए, ठीक है। तो एक निडिल वाल्व हो गया, एक टॉर्च है, इसी टॉर्च से हमारा कंबर्शन होके ये गैस कंबर्शन होके निकलेगा, ऑक्सीजन प्लस एसिटिलीन, ठीक। ये जो फ्यूल है, ये जो ऑक्सीजन प्लस एसिटिलीन या फिर कोई भी फ्यूल होगा, ओके। रेगुलेटर में क्या है? रेगुलेटर में आपका सिलेंडर कंटेंट होता है, ये देखो, एक होगा हमारा, एक जो रेगुलेटर होता है वो सिलेंडर के अंदर कितना गैस रहेगा वो आपको बताएगा। एक रेगुलेटर होगा कि आपको कितना चाहिए, ठीक, वो होगा। ऐसा नहीं कि सिलेंडर में इतना प्रेशर है, आपको ज्यादा चाहिए तो आप वहां से ले सकते हो। तो इस रेगुलेटर की मदद से आप दोनों पाइप को कनेक्ट करके कितना प्रेशर आपको लेना वहां से आप ले सकते हो। समझ के ये सारा पार्ट्स, बहुत ईजी है। ओके ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है? आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग भी क्या है फ्रेंड्स? बहुत इजी है। आर्क वेल्डिंग भी हमारा फ्यूजन वेल्डिंग है। जैसे ही फ्यूजन वेल्डिंग पता लगे तो आपको पता लग जाना चाहिए कि आर्क वेल्डिंग क्या है, जहां पर हम लोग सिर्फ हीट देते हैं, प्रेशर नहीं देते, उसको हम बोलेंगे आर्क वेल्डिंग। लेकिन डिफरेंस फिर क्या होगा गैस वेल्डिंग आर्क वेल्डिंग में, ठीक है। तो आर्क वेल्डिंग में, आर्क वेल्डिंग को हम लोग फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस बोलते हैं। इसमें क्या होगा कि हम लोग मेटल को फ्यूज करते हैं, मतलब हीट जरूरत पड़ता है मेटल को फ्यूज करने के लिए, ठीक है, उसको वोल्टेन स्टेट में लाने के लिए। और आर्क बोला है ना, तो हम लोग इसमें इलेक्ट्रिक आर्क का यूज करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिक रॉड का यूज करेंगे, ताकि हम इलेक्ट्रिक आर्क बना सके बिटवीन द बेस मेटल एंड इलेक्ट्रॉन। मैं आपको बताऊंगा कैसे होता है। देखो, एक इलेक्ट्रोड होता है, ये हमारा मेटल है मान लेते हैं, तो ये मेटल को हमें ज्वाइन करना है, तो हम क्या करेंगे, ये जो इलेक्ट्रोड है ना, इसका यूज करेंगे, और दोनों के बीच में हम इलेक्ट्रोड को मतलब नेगेटिव अपोजिट करके यहाँ पर ही यूज करेंगे। तो ये इलेक्ट्रोड क्या होगा, वहां से इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ेगा यहाँ पर बीच में, तो इसका मदद से यहाँ पर हीट जनरेट होगा, फिर ये वेल्ड होता है, ठीक है। मैं आपको नीचे बताऊंगा कि ऐसा होता है सारी चीज। इसमें क्या क्या टाइप्स होते हैं आर्क वेल्डिंग में? मेटल आर्क वेल्डिंग, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग,
मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग जिसको हम मेक बोलते हैं, ठीक ठीक ये सारी चीज बोलते हैं। ओके अब देखिए ये हमारा छोटा सा एक डायग्राम है आर्क वेल्डिंग का, मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या होते हैं इसमें सारे चीज। बहुत सिंपल है समझना, ये मेरा आर्क वेल्डिंग का डायग्राम है। ये जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे है इसको हम बोलते हैं मशीन, वेल्डिंग मशीन। आप देखे होंगे ऑरेंज कलर का या फिर येलो कलर का मशीन होता है उसको हम बोलते हैं वेल्डिंग मशीन। या तो इसमें एसी करंट होता है या फिर डीसी करंट होता है, अल्टरनेटिव करंट या फिर डायरेक्ट करंट। ठीक है, दो वायर होता है, एक वायर जो होगा ये मेरा इलेक्ट्रोड केबल होगा। एक वायर कहाँ जाएगा आपका इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड होल्डर है जो इलेक्ट्रोड को होल्ड करेगा तो इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोड केबल। ठीक है, और एक केबल जो आएगा इसको हम बोलेंगे वर्क केबल। वर्क केबल क्यों, क्योंकि ये एक जिसको आपको ज्वाइन करना है ना दो मेटल के पीस के बीच में, ठीक है उसमें हम कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये मेरा आर्क है, देखिए यहाँ पर एक छोटा सा ये आर्क बनता है, आपने देखा होगा जब भी आर्क वेल्डिंग करोगे ना एक छोटा सा आर्क बनता है, इसलिए हम इसको आर्क वेल्डिंग बोलते हैं। ठीक है, ये मेरा इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड होल्डर है, तो जैसे यहाँ से करंट पास होगा यहाँ पे नेगेटिव फिर यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा, करंट पास होगा तो क्या होगा नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा तो जितना भी इलेक्ट्रोड है सब यहाँ पर जम जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा तो इससे क्या होगा हीट जनरेट होगा फिर इसको वेल्ड कर देगा। इस तरीके से प्रोसेस चलता है, या फिर यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव वो आपको डिफाइन करेगा कि कहाँ पर आपको हीट जाना चाहिए। अंडरस्टूड ना? तो ये छोटा सा वीडियो था मेरा जहाँ पे मैं आपको बता दिया कि वेल्डिंग किसे कहेंगे। ये पार्ट वन है फ्रेंड्स, इसका पीडीएफ मैं दे दिया हूँ, पीडीएफ का लिंक दिया हूँ वहाँ से आप डाउनलोड कर लो। पार्ट टू मैं जल्द ही अपलोड करूँगा आप लोगों के लिए, क्योंकि एक ही वीडियो में सारा कुछ बताना प्रॉब्लम होगा आप लोगों की भी, एक वीडियो में सारा कुछ एक साथ पढ़ना, तो मैं पार्ट बाई पार्ट पूरा चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको सही से हर एक पार्ट के बारे में टाइप्स के बारे में जानकारी मिल सके। ठीक है, जो भी इस वीडियो में नए देख रहे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाले डेज में मैं अपलोड करूँगा इस टॉपिक के रिगार्डिंग। ओके, जो भी कुछ आपको प्रॉब्लम पड़े प्लीज़ कमेंट करो कि इस चीज़ में मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो मैं आपको ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा उस चीज़ के बारे में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।